अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास छह चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं उन छह चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता दूं, और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे। यहाँ पे हम बहुत सारी सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपने भाई का व्लॉग वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रैवल एंड फूड यहाँ पे आ रहा होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ उस पर मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं वहाँ पे व्लॉग्स की वीडियोस, मतलब के जो भी मैं करता हूँ वो वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। मतलब के ख़ास घर में तो करता नहीं, जो भी बाहर निकल के काम वगैरह होते हैं तो उस पर मतलब के बड़ी बड़ी मज़े की वीडियोज़ बना के अपलोड करता रहता हूँ। तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाके फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले बताता चलूँ आपको, ऑटोमेटिक मशीन की प्राइस ये आपको 20,000 रुपये में मिल जाती है, ठीक है। कंडीशन बहुत अच्छी है, हायर की मिलेगी और 8 दिन की पर्सनल वारंटी में मिलेगी आपको। देन फिर वॉशिंग मशीन है एक हमारे पास जो कि 12,000 की प्राइस में है। फिर एक वॉशिंग मशीन विद ड्रायर है, पिछली वाली भी ड्रायर के साथ ही है, ये आपको 10,000 रुपये में फाइनल मिलेगी। कुकिंग रेंज एक आ जाता है जो कि 9,000 रुपये की प्राइस में है। फिर देन एक और कुकिंग रेंज आता है जो 10,000 की प्राइस में है। फिर एक LED आ जाती है हमारे पास जो कि ओवरऑल ठीक है, इको स्टार की है और 8,000 में 24 इंच में आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी ऑटोमेटिक मशीन की जो कि हायर में आपको देखने को मिलती है, बहुत अच्छी कंडीशन में बॉडी वाइज, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि पर्सनल 8 दिन की वारंटी मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है कि 8 दिन में आप इसको 8 दिन चलाएँ या उसमें से 4 दिन चलाएँ, इसको चला के अच्छी तरह चेक कर सकते हैं और यूज़ करें। इसको पर्सनल वारंटी वह दे रहा है आपको, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको मिलता है तो आप उसको वापस कर सकते हैं या जिस तरह भी आपकी उनके साथ बात हो वो आप कर सकते हैं। 21,000 रुपया इसने मांगा हुआ है, ठीक है। 20,000 रुपये में ये सेल करना चाह रहा है वॉशिंग मशीन। ये फाइनल प्राइस नहीं है, ठीक है, आप लोग प्राइस रेंज की बात कर सकते हो। डिफेंस गार्डन लाहौर में इस टाइम ये वॉशिंग मशीन मौजूद है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे वॉशिंग मशीन की ही, और ये वॉशिंग मशीन बॉडी वाइज की कंडीशन बात करें तो 8x10 है, 28 दिसंबर का आइडा, PI कलोनी रावल पिंडी में बिक रही है ये मशीन 10x10। उसने तो 10x10 कंडीशन लिखी है पर मेरे ख्याल से 8x10 है, ठीक है। प्रॉब्लम किसी किस्म का कोई नहीं है, आपको एक वॉशिंग मशीन विद ड्रायर देखने को मिल जाता है इसके साथ, ओके है। फाइनल प्राइस नहीं है, प्राइस की आप लोग बात कर सकते हो। देन तीसरे नंबर पे बात करेंगे वॉशिंग मशीन विद ड्रायर की ही, ये वॉशिंग मशीन और विद ड्रायर फाइनल प्राइस में है, इसके साथ कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी की ओवरऑल कंडीशन इसने भी 10x10 लिखी हुई है, पर ये है कि इसका एड जो है वो 26 दिसंबर का है और आज दिसंबर की जो डेट हो गई है वो 29, मतलब कि 3 दिन हो गए हैं ये फाइनल प्राइस की वजह से अभी तक सेल नहीं हुई, ठीक है। आप लोग प्राइस कह देना कि भाई कुछ कमी पेशी करो तो हम परचेज़ कर लेते हैं, तो वो कुछ में फिर आप समझदार हो कि वो आप 2,000 छुड़ा लो या 1,000 छुड़ा लो, वो आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल किसी की समझ में आए तो वो परचेज़ कर सकता है, इस्लामाबाद में मौजूद है तो इस्लामाबाद वाले परचेज़ कर सकते हैं। फिर बात करेंगे कुकिंग रेंज की जो कि 5 बर्नर में देखने को मिल जाता है। कंडीशन की बात करूँ तो 10x10 कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है, स्काई का है कुकिंग रेंज, तो इस टाइम यह रावलपिंडी में मौजूद है। इसकी जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन 9-1,000 रुपये है और एक बड़ी अच्छी मतलब कि प्राइस मांगी हुई है, ज़्यादा नहीं है, तो प्राइस में कमी बेशी करे तो 7, 7.5, 8 तक भी मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि कंडीशन अच्छी है, ठीक है, और स्काई में है और स्काई कंपनी में है तो काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। हाँ ये है कि बशर्त कोई प्रॉब्लम कुकिंग रेंज में ना हो, ठीक है, फिर देख लेना 7,000 रुपया एक लगा के देखना तो पता लग जाएगा फाइनल कितने की देगा। फिर देन बात करेंगे कुकिंग रेंज की, ये कुकिंग रेंज की भी कंडीशन उस जैसी ही कह लो आप या उससे थोड़ी सी अच्छी बोल सकते हो, 9x10 बोल सकते हो, कंडीशन काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन है और वही बात मतलब कि 1,000 रुपये का फ़र्क भी यहाँ पे आ जाता है। ये 10,000 रुपये मांग रहा है, उसने तकरीबन 9,000 रुपये मांगा हुआ है, बहरहाल कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 5 बर्नर ये भी 5 है, ठीक है, और कंडीशन इसकी भी ओके है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता। पर वो वाला कुकिंग रेंज रावलपिंडी में मौजूद था, ये वाला कुकिंग रेंज लाहौर बंद रोड पे मौजूद है, ठीक है। 10-1,000 रुपये उसने मांगा हुआ है प्राइस रेंज की, आप लोग बात कर सकते हो। तो जिस तरह आप लोगों को समझ में आता है आप लोग मेरे से नंबर ले लेना, मेरा यहाँ पे एक व्हाट्सअप का नंबर चल रहा है,
वो व्हाट्सएप पे है, फिर बता रहा हूँ, कॉल ना कीजिएगा उसको, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके सेंड करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर दे दूँगा। किसी भी चीज़ का नंबर चाहिए उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लें और देन मुझे सेंड कर दें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। आखिरी नंबर पे बात करेंगे अपनी एलईडी की, जो कि इको स्टार में आपको मिल जाती है 24 इंच में। कंडीशन वाइज चलने पे ही डिपेंड करता है भाई, ना कि कंडीशन पे डिपेंड करके। टीवी को मतलब कि एक जगह हैंग कर दिया आपने तो बहुत कम रियल चांस है उसको कहीं से वो टूटा हो या कोई प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम हो सकता है टूटे वगैरह की या कोई लाइनिंग वगैरह की, ऐसा सीन ना हो। तो इस टाइम इको स्टार में आपको मिल जाती है 8,000-1,000 रुपये इसने मांगा हुआ है, 24 इंच की है। और पहले मॉडल पूछ लेना, मॉडल नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा होता तो मैं आप लोगों को इसकी न्यू की प्राइस भी बता देता। एलईडी टीवी है इको स्टार में, 8,000 रुपया डिमांड है इसकी, कराची में मौजूद है, कराची वाले परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस की जो बात है वो आप लोग मज़ीद कर सकते हो, मतलब कि कम वगैरह हो जाएगी प्राइस, 6-7 में दे देगा, पर पहले इसका मॉडल कन्फर्म करना, उसको गूगल करना, गूगल करके जो 2 डे की प्राइस निकलेगी उसको देखना, फिर देन इसके साथ बात करना और जाके अच्छी तरह चेक करके चीज़ को परचेज़ करना। तो कराची वाले परचेज़ कर सकते हैं, इस टाइम ये कराची में मौजूद है। तो वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को ज़रूर एक लाइक शेयर कमेंट करें, तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, भाई को लाजमी दुआओं में याद रखा करें यार। खुदा हाफिज़।